हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निका क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई रिज़ल्ट के ऊपर। रिज़ल्ट के लिए सभी अभ्यर्थियों ने एक महाधरना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी बीटीएससी जेई अभ्यर्थी भाग लेंगे और एक एक अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचेंगे अपनी मांग के लिए। क्योंकि बीटीएससी जेई का रिज़ल्ट जो है तभी आएगा जब आप लोग सभी लोग एक्टिव होंगे। 4 जुलाई को ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे ताकि रिज़ल्ट जल्द से जल्द आए और इसकी बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होकर नई विज्ञापन जारी हो। जो बच्चे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं नई विज्ञापन को लेकर, उनका भी यहाँ पे जो है कि नई विज्ञापन जारी हो। और जो बच्चे पिछले 3 साल से इस बहाली में जो है कि इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे भला हो। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। और प्लस में संदीप सौरभ हैं, जो कि विधानसभा में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के संशोधित रिजल्ट जारी करने का जो है कि विधानसभा में आवाज़ उठाएं। क्या कुछ उन्होंने कहा यहाँ पे हम बताएंगे। तो इन्होंने कहा है, मैं लोकहित में नामांकित विषयों पर सदन में निवेदन प्रस्तुत करने की इच्छा की सूचना देता हूँ। लिखा है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर की बहाली विज्ञापन संख्या 01/2019 पिछले 3 वर्षों से लंबित है। इस क्रम में 3 अप्रैल 2022 को इसका परिणाम घोषित किया गया था, परंतु मात्र 2 दिन के बाद ही किसी कारणवश परिणाम को वेबसाइट से यह कहते हुए हटा दिया गया कि यदि आवश्यक हो तो परिणाम संशोधित करते हुए द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। परंतु लगभग 3 महीना गुजर गए हैं, गुजर जाने के बावजूद भी आयोग द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर में चयनित 6400 अभ्यर्थी जो हैं तथा उनके परिवार को अनिश्चितता और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अतः उक्त बहाली में संशोधित परिणाम निकालकर चयनित छात्रों के लिए तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सरकार से निवेदन के माध्यम से मांग करता हूं। तो इन्होंने बहुत ही सहयोग किया है उन अभ्यर्थियों को जो बीटीएससी के रिज़ल्ट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पे 4 जुलाई को सभी लोग को आना है धरना प्रदर्शन में, ताकि अब और यहाँ पे बीटीएससी जेई के लिए और जो है कि अपना समय और बर्बाद ना करे। अभ्यर्थी टूट चुके हैं क्योंकि बार बार दिलासा दिया जाता है कि अब ये हो जाएगा, काम हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अब 3 महीना पहले इसकी रिज़ल्ट घोषित किया गया था और रिज़ल्ट को हटा दिया गया, और उसके बाद जो है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा 40% रिजर्वेशन के मैटर पे जो है कि जजमेंट आया। उस जजमेंट को लेकर जो है कि आयोग टाल मटोल और यहाँ पे जो भी आयोग हैं, जीएडी, ये सारे लोग अभ्यर्थियों को बहुत परेशान किए और कोई भी यहाँ पे एक जेन्युइन सूचना नहीं निकल के आई कि आखिर ये बहाली को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। 3 महीने बीत चुके हैं, इस पर कोई फोकस नहीं है सरकार का और न ही आयोग का। अभ्यर्थी डिप्रेशन में है, कुछ भी हो जाए उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि आप लोग घर में बैठने से अच्छा है कि अपनी लड़ाई लड़े, अपनी मांगों को रखें और जो है कि इसमें सफल हों। अन्यथा ये आयोग और सरकार जो है कि ये सोच रही है कि आप लोग कब एक्टिव होते हैं, कब आप लोग जो है कि अपने रिज़ल्ट की मांग करते हैं, तब जाके वो लोग जो है कि काम करेंगे। अभी तक जो 3 साल से मैंने देखा है कि आयोग तभी उस पर काम की है जब तक अभ्यर्थी का धैर्य जो है टूटता जाता है और तब जाके वो रोड पा जाते हैं, सड़क पा जाते हैं और तब जाके आगे कोई काम हुआ है, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग के लिए रिज़ल्ट जारी हो, और अब उसका जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने में ये सारे परेशानी आ रही है। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं अन वैकेंसियाँ उसी आयोग से जो डॉक्टर्स की आती है उन पे बिना कहे 6 महीने के अंदर वो बहाली कैसे क्लियर हो जाती है। और ये बीटीएससी जेई जिस पे कि अभी 40% रिजर्वेशन का मैटर, ना कोई स्टे है और कुछ भी नहीं है,
अगर वो इंक्लूड कर कर भी देते हैं रिज़ल्ट, तो उस पर काम होना चाहिए, आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ पे कोई सूचना उस तरीके से नहीं मिला है, ताकि अभ्यर्थी जो है अपने अंदर पेशेंस बनाए रखे। अब पेशेंस बनाना जो है कि अब संभव नहीं है। अभ्यर्थी सभी लोग एकत्रित होएं और इस बहाली को जो है कि क्लियर कराने में सभी लोग सपोर्ट करें, तभी जाके कुछ होगा। अन्यथा आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और आपकी उम्र निकलती जाएगी। अब सोच सकते हैं कि एक एक दिन जो है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। और संविदा वाले भैया से कहना चाहेंगे, उन लोग को आप सोच सकते हैं, आप लोग अगर नहीं आएंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, तो आप कब तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करेंगे? आपकी एज ख़त्म हो जाएगी तब जाके, सपोज़ आपको 5 साल 6 साल अगर एज बचेगी और तब जाके आपको परमानेंट जॉब होता है, तो उससे क्या क्या होगा? तो आप लोग भी सोचें और इस बहाली को जल्द से जल्द क्लियर कराने में मदद करें। सभी लोग 4 जुलाई को महाधरना प्रदर्शन में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में भाग लें और ये बहाली को क्लियर कराने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही अपडेट था। आगे के जो कुछ अपडेट होगा, जो भी निर्देशक होगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।